नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे 13 मार्च 2021 को पड़ने वाली शनि अमावस्या व्रत की। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें हम आपको शनि अमावस्या व्रत का महत्व बताएंगे और साथ ही पूजा की विधि भी बताएंगे। लेकिन शुरू करने से पहले निवेदन है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे हर नए वीडियो की जानकारी आपको मिलनी शुरू हो जाए। दोस्तों हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि दान पुण्य और पूजा पाठ आदि के लिए बहुत शुभ मानी जाती है। यह तिथि यदि शनिवार को पड़े तो इसे और भी शुभ मानते हैं क्योंकि शनिवार को पड़ने वाली अमावस्या तिथि शनि अमावस्या कहलाती है। आमतौर पर शनि अमावस्या बेहद दुर्लभ होती है। साल में यूं तो 12 अमावस्याएं होती हैं लेकिन शनि अमावस्या बेहद कम होती है। इस दिन भगवान शनि देव की पूजा करनी चाहिए क्योंकि उनका व्रत करने से उनकी कृपा आसानी से मिल सकती है, खास तौर पर जिन्हें नौकरी या रोजगार से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उन्हें तो यह व्रत अवश्य करना चाहिए। जैसा कि आप जानते होंगे शनिदेव को न्याय का देवता मानते हैं, तो ऐसे में 7:30 में शनि के जातक के कर्मों का फल देना शनिदेव का कर्तव्य होता है। इसलिए शनिदेव को प्रसन्न करना भी जरूरी है ताकि वे शुभ फल दें। इसके लिए शनि अमावस्या के दिन पूजा अर्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। शनि अमावस्या के दिन शनि मंदिरों में भी पूजा के अनेक इंतजाम किए जाते हैं। चूंकि यह अमावस्या की तिथि इस बार फागुन माह में पड़ रही है अतः इसे फागुनी अमावस्या भी कहेंगे। इस प्रकार से फागुनी या शनि अमावस्या की तिथि 13 मार्च को रहेगी जो कि दोपहर में 3:02 से प्रारंभ होकर के अगले दिन 14 मार्च 3:50 तक रहेगी। आइए अब आपको बताते हैं कि आपको इस फागुनी या शनि अमावस्या में क्या करना चाहिए। इस दिन प्रातःकाल उठें, आसपास की किसी पवित्र नदी में या सरोवर में जाकर के स्नान करें। लेकिन अगर कोई नदी या सरोवर आसपास नहीं है तो नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर के स्नान करें। अमावस्या की तिथि पितरों को समर्पित होती है, इसलिए स्नान के तुरंत बाद अपने पितरों को तिलांजलि देना बिल्कुल भी न भूलें। संभव हो सके तो आसपास के शनि मंदिर में जाकर शनिदेव को तेल भी समर्पित करें। लेकिन अगर आप घर पर पूजा कर रहे हैं तो शनि चालीसा का पाठ जरूर करें। शनि अमावस्या पर भगवान शिव की भी पूजा की जाती है, इसलिए शिव सहस्रनाम अथवा शिव पंचाक्षरी मंत्र का जप जरूर करें। इस दिन शनिदेव के मंत्र का जप विशेष लाभकारी माना गया है जो इस प्रकार से है। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम नमामि शनैश्चरम। इसके अलावा भी कई कार्य हैं जो शनि अमावस्या को आप कर सकते हैं, जैसे शनि अमावस्या के दिन काले कपड़े, काली चीजें अथवा लोहे का दान करें, लोहे से बनी चीजों का दान करें। शनिवार के दिन काले घोड़े की नाल को अपनी मध्यमा उंगली में पहने, यानी कि उस नाल की एक रिंग बना लें और उसे अपनी मध्यमा उंगली में पहने। इसके अलावा काला तिल, काली उड़द और काले रंग के बर्तनों का भी दान किया जा सकता है। अगर आपको कहीं काला कुत्ता मिल जाए तो उसे तेल लगी हुई रोटी जरूर खिला दें। सुंदरकांड का पाठ करना भी शनि अमावस्या के दिन श्रेष्ठ कर माना गया है। अब आपको शनिदेव से जुड़े एक प्रसंग के बारे में बताते हैं जो मुनि पिपलाद से भी जुड़ा हुआ है। जैसा कि सभी जानते हैं कि शनिदेव अपनी तिरछी नजर और अपने तेज के लिए विख्यात थे, लेकिन एक बार जब वे काफी अहंकार में थे और उस दौरान उनका सामना मुनि पिपलाद से हुआ तो शनिदेव जो स्वयं अपने तेज के लिए विख्यात थे उन मुनि पिपलाद की दिव्य और तेजोमय नजरों का सामना नहीं कर पाए और उनकी शक्तियों से वहीं पर धराशायी हो गए और विकलांग भी हो गए। शनिदेव उस समय काफी पीड़ित हुए। उन्होंने ब्रह्मदेव का आह्वान किया, ब्रह्मदेव ने मुनि पिपलाद को मनाया। तब मुनि पिपलाद ने ब्रह्मदेव की आज्ञा से शनिदेव को उनके कष्टों से छुटकारा दिलाया। साथ ही देवताओं के कहने और विनय करने पर शनि की पीड़ा से बचाव व मुक्ति के लिए शनि मंत्रों और स्तोत्रों की रचना भी की। मुनि पिपलाद द्वारा रचे गए इन मंत्रों और स्तोत्रों का पाठ शनिवार को, मंगलवार को, अमावस्या तिथि को या शनि जयंती के दिन जरूर करना चाहिए। साथ ही साथ यदि आपकी कुंडली में 7:30 चल रही हो, शनि की महादशा हो, शनि की ढैया हो, तब तो इन स्तोत्रों या मंत्रों का पाठ जरूर करना चाहिए क्योंकि इनके पाठ करने से शनि ग्रह के अशुभ असर कम हो जाते हैं। तो दोस्तों यह जानकारी थी शनि अमावस्या की। उम्मीद है आपको ये पसंद जरूर आई होगी। इस वीडियो को लाइक करिए, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करिए ताकि वे भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।